देखो हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे कुछ एक फॉर्मूलाज का, हम बोला था ये चैप्टर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। हम लोग लास्ट क्लास बात किए थे जैसे टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टेलर डिफरेंशिएट सिस्टम, एमर्सन सिस्टम, हालसे प्लान, रोवन प्लान और एक पढ़े थे हालसे वेयर प्लान। तो इतना प्लान हम लोग पढ़े थे जिनमें अलग अलग बेसिस पे एम्प्लॉय लेबर का वेजेस और उसका बोनस कैलकुलेशन सीखे थे। आज बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट का, फॉर्मूलाज का, और फिर सम पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या बताता है? इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेशन करता है लेबर टर्नओवर रेशियो। अब ये लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? आप दोनों में से जो भी बोलो, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? ट्राई करो, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर मींस ऑल, मतलब सारा सेल्स हो रही है। नहीं, टर्नओवर का एक्चुअल मीनिंग होता है रोटेशन। अगर हम बोलते हैं सेल्स टर्नओवर, तो सेल का कितना रोटेशन हुआ इसका, कितनी बार सेल किया। अगर हम बोलते हैं डेटा टर्नओवर, तो कितनी बार डेटा पेमेंट किया फिर उधार लिया, पेमेंट किया फिर उधार लिया। क्रेडिटर टर्नओवर अगर हम बोलते हैं, तो कितनी बार हम उधार लिए, कितनी बार पैसा चुकाए। स्टॉक टर्नओवर, कितनी बार माल बना फिर बिका, बना फिर बिका। तो टर्नओवर का मतलब किसी भी चीज का रोटेशन। तो यहां पर अब वर्ड है लेबर टर्नओवर। तो इस वर्ड से अब क्या समझ में आता है? लेबर कितना ज्वाइन किया, कितना छोड़ा, हम निकाले या ज्वाइन किया छोड़ा, मतलब लेबर कितने आए गए आए गए आए गए, यही है लेबर टर्नओवर। इसमें तीन फॉर्मूला कैलकुलेट करने बोलते हैं एग्जाम में। तो लेबर टर्नओवर मेथड में नंबर वन बोलता है सेपरेशन मेथड, नंबर टू रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर थ्री फ्लक्स मेथड। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 200। अगर हम बोलते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, सेपरेटेड मतलब कितने छोड़ के गए, रिप्लेस मतलब कितनों को हटा के बदले में हम नया रख लिए। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस का फॉर्मूला, रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाई एवरेज एम्प्लॉय इन 200। तो सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड डिवाइडेड बाई एवरेज एम्प्लॉय, रिप्लेसमेंट मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस डिवाइडेड बाई एवरेज एम्प्लॉय, और फ्लक्स मेथड मतलब दोनों का एडिशन, नंबर ऑफ सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 200। तो कल हम लोग सात फॉर्मूला सीखे थे लेबर का वेजेस और उसका बोनस कैलकुलेशन को लेके। आज हम लोग तीन फॉर्मूला देख रहे हैं नंबर ऑफ लेबर टर्नओवर के ऊपर, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड। रिप्लेसमेंट मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉय। एवरेज एम्प्लॉय कैसे निकलेगा? साल के बिगनिंग में कितना था प्लस साल के एंडिंग में कितना डिवाइडेड बाय टू, मतलब ओपनिंग लेबर प्लस क्लोजिंग लेबर डिवाइडेड बाय टू, तो ये निकल जाएगा एवरेज एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड, ये तीन मेथड का फॉर्मूला का बात की। क्लियर है ये आप दोनों को? यस सर। दिव्यम क्लियर है? अब आते हैं चलो सम्स के ऊपर। देखो हम यहाँ पे कुछ सम्स सॉल्व किया, पहले उनका बात करेंगे और उसके बाद में कुछ बुक का भी सम का बात करेंगे। सम्स ऑन लेबर टर्नओवर। तो पहला ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग में था मेरे पास 3800, नंबर ऑफ वर्कर एंडिंग में है मेरे पास 4200। इससे एवरेज एम्प्लॉय निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू। यस सर। कितना होगा? 4 × 3 = 7, 8000 है, तो डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो 4000 आएगा। अब मेरे को बोला ड्यूरिंग द ईयर 40 वर्कर लीव, 160 वेयर डिस्चार्ज। 40 वर्कर खुद छोड़ के गए, 160 को हम लोग डिस्चार्ज कर दिए, मतलब हम लोग निकाल दिए। 150 वर्कर्स वे रिक्रूटेड और 150 वर्कर नए रिक्रूट हुए। टोटल वर्कर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 600। तो ये डेटा हमको दिया है, ओपनिंग वर्कर दिया 3800, क्लोजिंग वर्कर दिया 4200, उससे एवरेज वर्कर निकल जाएगा, एवरेज लेबर। ड्यूरिंग द ईयर 40 लोग खुद छोड़ के गए हैं, 160 को हम लोग डिस्चार्ज किए हैं और 150 नए रिक्रूट हुए हैं। टोटल वर्कर ड्यूरिंग द ईयर 600 का रिक्वायरमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको बोला है रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड और फ्लक्स मेथड,
तीनों से आंसर निकाल के बताओ। तो देखो पहले हम क्या किया, सॉल्यूशन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट किया, 3800 प्लस 4200 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4000 मेरा एवरेज एम्प्लॉय आ गया। पहला फॉर्मूला हम सॉल्व किया रिप्लेसमेंट मेथड का, कितने वर्कर को हम रिप्लेस किया है, 150, क्योंकि 150 नया ज्वाइन हुआ है, टोटल 200 छोड़ के गए हैं, 150 नया ज्वाइन हुआ है। तो रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, तो 150 नया रिक्रूट किया मतलब वही किसी के बदले में, तो 150 डिवाइडेड बाय 4000 इनटू 100, 3.75% वर्कर को हम खुद रिप्लेस किए। सेपरेशन में क्या, कितने वर्कर छोड़ के गए, अब खुद छोड़े हो या हम निकाले हो, दोनों का मतलब तो छोड़ के जाना ही है ना, खुद छोड़े हो या हम निकाल दिए, बात तो एक ही है। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड मतलब मेरे यहाँ से हटे कितने, तो 40 खुद छोड़ के गए, 160 को हम लोग निकाला, तो टोटल 200 लेबर हमको छोड़ के गए। तो 200 डिवाइडेड बाय 4000 इनटू 100, 5% लेबर वेयर सेपरेटेड। नंबर थ्री मेथड बोला फ्लक्स मेथड, तो नंबर ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100, यहाँ वो 600 काम आएगा। नंबर ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, तो 600 ऐड हुए हैं, 200 छोड़ के गए हैं, तो 800 डिवाइडेड बाय 4000 इनटू 100, 20% मेरा फ्लक्स मेथड का आंसर। क्लियर है ये? यस सर। अब आते हैं इसी का एक और सम करते हैं, चलो थोड़ा सा डेटा को बदल के। वर्कर मेरे को बिगनिंग में बताया 500, वर्कर मेरे को एट द एंड बताया 600, तो ओपनिंग 500 क्लोजिंग 600, एवरेज आएगा 550। अब देखो डेटा क्या दिया, ड्यूरिंग द ईयर 5 वर्कर लेफ्ट, 20 डिस्चार्ज, 75 रिक्रूटेड। ड्यूरिंग द ईयर 5 वर्कर लेफ्ट, 20 डिस्चार्ज, 20 को हम निकाल दिया, 5 खुद छोड़ के गए, 75 रिक्रूटेड, 75 नया ज्वाइन करवाए। ऑफ दीज 10 वेयर रिक्रूटेड इन प्लेस ऑफ लिविंग, इसका मतलब क्या है, टोटल 5 वर्कर खुद छोड़ के गए, 20 वर्कर डिस्चार्ज हुए हैं और 75 नए रिक्रूट हुए। इसमें से 10 ऐसे हैं, 75 में 10 ऐसे हैं जो किसी के बदले में रखे गए, मतलब जो छोड़ के गए उनके बदले में रखे गए, तो रिप्लेस कितने हुए, मतलब 10 ही। दिव्या में ये क्लियर है, रिप्लेस 10 हुए हैं, नया अपॉइंट 75 हुआ है, लेकिन 10 उनमें ऐसे हैं जो पुराने छोड़ के गए उनके बदले में, तो मतलब रिप्लेसमेंट में हमको 10 ही मिले। सेपरेट कितने हुए मेरे यहाँ से टोटल, 5 खुद छोड़ के गए, 20 को हम निकाल दिए, 25 सेपरेट हुए। बस अब तीनों फॉर्मूला सॉल्व कर दो, तो हम पहले क्या निकाला, एवरेज निकाल के लिख दिया, 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 550 मेरा एवरेज है। सेपरेशन मेथड सॉल्व किया, 5 खुद छोड़ के गए, 20 को हम निकाला, 25 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, 4.5। रिप्लेसमेंट में 10, 10 हमको छोड़ के गए, तो 10 को हम रिप्लेस किए, सॉरी, तो 10 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, 1.82%। और तीसरा आ गया फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला ऊपर क्या लिखे अभी अभी हम, नंबर ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन, तो कितना एडिशन हुए हैं, 75 प्लस 5, अच्छा ठीक है, हाँ 75 प्लस 25 ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर एडेड प्लस सेपरेटेड फॉर्मूला है ना, तो एडेड हुए 75, सेपरेट कितने हुए 25, 5 खुद छोड़ के गए, 20 को हम निकाल दिया। और सर ये वाला तक इसमें काउंटेड है क्या, है वापस बोल, ऑफ दिस 10 वर रिक्रूटेड इन प्लेस ऑफ लिविंग, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो रिप्लेसमेंट के काम का बात है ना। देख रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो छोड़ के गए उनके बदले में हम कितना नया रखा, ऐसे हम 75 नया रखा है, वो तो हमको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है इसलिए रखा है, छोड़ के गए उनके बदले में केवल 10 को रखा है, तो वो रिप्लेस जब वो 75 में इंक्लूडेड है मेरा, यही पूछना चाहते,
दिव्यांग हम ये पूछना चाहता था, ये 10 पेयर आएगा कि नहीं? अलग से लिखने आता का नहीं, 10 तो 75 में इंक्लूडेड है ना बेटा। तुम 75 टोटल नया रखा है, उनमें से 10 ऐसा है जो रिप्लेसमेंट के बदले में। तो 75 मेरे मेरा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो नंबर ऑफ एडिशन है 75, नंबर ऑफ सेपरेशन है 25 डिवाइडेड बाई 550 × 100, तो 18.18%। एक और सम करते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा आप डिफरेंट सम होगा। यहां पे हम आपको आंसर दे दिया है और हम आपको कुछ और निकालने बोले हैं। फ्लक्स का हम बता दिया 10% है, रिप्लेसमेंट का हम बता दिया है 5% है, सेपरेशन का हम बता दिया है 3%। हम आपको तीनों फॉर्मूला का आंसर दे दिया, कितने नए जो है, कितने रिप्लेसमेंट मेथड में परसेंटेज कितना आ रहा है, यानी रिप्लेसमेंट टर्नओवर कितना है, सेपरेशन टर्नओवर कितना है, फ्लक्स टर्नओवर कितना है, ये हम तीनों का आंसर दे दिया आपको। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड हम बता दिया 30 है। अब आपको बोला फाइंड आउट वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। आपको बता रहे रिप्लेस किया हम 30, मतलब 30 को हम किन्हीं के बदले में रखा है। अब क्वेश्चन और एवरेज नहीं पता, एवरेज नहीं पता, ठीक है नहीं पता रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकालेंगे। मेरे को डेटा और परसेंटेज, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसका डेटा भी अवेलेबल है और परसेंटेज भी अवेलेबल है? रिप्लेस, वेरी गुड, परफेक्ट। तो दिव्या हम उससे एवरेज निकाल सकते हैं? रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर क्या है? रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज। तो बेटा रिप्लेसमेंट मेथड का परसेंटेज पता है, नंबर ऑफ रिप्लेस पता है, तो मिसिंग फिगर तो एवरेज ही है ना। तो देखो हम क्या सॉल्व किया, ये देखो रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज। तो 5% इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिप्लेस कितना है, 30 वर्कर्स डिवाइडेड बाय एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5%, तो आ गया 600। क्लियर है ये? यस सर। तो दिव्यांग तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एवरेज गायब था, एवरेज निकाल लिया पहले। अब मेरे से मांगा क्या क्या है क्वेश्चन? मेरे से मांगा है वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, तो ये कौन सा वाला मेथड में काम मिल सकता है हमको? नंबर हाँ फ्लक्स वाला, हाँ फ्लक्स वाला से मिल जाएगा। और नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, ये कौन से फॉर्मूला से निकल के आ सकता है? वेरी गुड, बस अब फॉर्मूला मारो आंसर निकालो। देखो हम पहले निकाला लेफ्ट एंड डिस्चार्ज निकाला पहले हम सेपरेशन मेथड से जो तुम हमको बोले हो। तो सेपरेशन मेथड इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज। सेपरेशन मेथड पता है हमको 3%, नंबर ऑफ सेपरेशन नहीं पता, वही तो निकालना है। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, कितने छोड़ के चले गए, लेफ्ट या डिस्चार्ज। लेफ्ट मतलब खुद छोड़ दिया, डिस्चार्ज मतलब हम निकाल दिए, दोनों का मतलब मिला के सेपरेशन है। तो 600 का 3%, तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड मेरा कितना निकल गया, 18। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड 18। अब देखो तुमको निकालना था ज्वाइंट, उसके लिए तुमको फॉर्मूला यूज करने का दरकार ही नहीं है। 60 वर्कर, हाँ 60 वर्कर तुम्हारे कहाँ गए, 60 कहाँ से निकला गया, गलती से हम काट दिया उसको, वो यहाँ ठीक है। फ्लक्स मेथड यूज किया है, फ्लक्स मेथड यूज करके वो निकाल लिया 600 का 10%, तो वो निकला मेरा 60। हाँ तो 60 टोटल वर्कर है, 18 सेपरेट हुए हैं, तो बाकी क्या हुए, ज्वाइंट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 60 कहाँ से निकला, तो अभी कैलकुलेट ही कर रही हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट, कुछ गलती हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन का फॉर्मूला ये लो, फ्लक्स मारा, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट पता है
सेपरेशन हाँ ठीक है 600 तुम्हारा एवरेज है। फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, नंबर ऑफ एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो फ्लक्स इक्वल टू 10% नंबर ऑफ वर्कर, एडिशन एंड सेपरेशन नहीं पता तो उसको रहने दो। एवरेज 600 है, 600 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो 600 का 10% कितना आएगा? 60। तो ये मिला 60, टोटल वर्कर मतलब मेरा 60 होना चाहिए था। 18 लेफ्ट किया है तो नया कितना ज्वाइन किया है, मतलब 42। हम फ्लक्स मेथड से पहले वो 60 निकाल लिया, फिर उसमें से मेरे को 18 हमको सेपरेट हुए मेरे से, तो मेरे पास अभी है कितने 42। तो मेरे को पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम मानेंगे नया 42 मेरे को ज्वाइन किया। ठीक है दिव्यम? दिव्यम सर वो लीव कर दिया। लीव कर दिया ठीक है, माइट बी कुछ नेटवर्क इशू हो। इधर भी थोड़ा सा बीच में हो रहा था। अभी हम यहाँ पे हम पहले सम्स लेके आते हैं स्क्रीन पे। एक्चुअली में यहाँ प्रॉब्लम हुआ कि हम ये सॉल्यूशन है, मेरे पास सम नहीं अवेलेबल है, सम हम ला रहे हैं स्क्रीन पे। हम वापस एक बार सम दिखा देते हैं स्क्रीन पे। हमको दिया है टाइम अलाउड 5 घंटा, अमल और बिमल दोनों को। एक्चुअल टाइम टेकन 4 घंटा और 6 घंटा। बेसिक रेट ऑफ वेजेज हमको बोला है दोनों का 3-3 रुपया। हमको बोला आंसर ओवन में सॉल्व करो, तो अमल का पहले सॉल्व किए, अमल का हम पहले रोन प्लान से सॉल्व किए। टाइम टेकन इंटू रेट, टाइम टेकन 4 घंटा, रेट 3 रुपया। और फार्मूला है बोनस का फार्मूला है टाइम टेकन बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव होल इंटू रेट। तो टाइम टेकन 4 घंटा है, टाइम अलाउड था 5 घंटा, इंटू 1 रुपीज इंटू 3 रुपया, जिसको 2.40 रुपया बोनस मिलेगा और 12 रुपया वेजेस मिलेगा। टोटल 14.40 रुपया मिला। लेकिन बिमल का हम सॉल्व नहीं किए, आप बताओ बिमल में क्या सॉल्व होगा? बिमल का डेटा क्या है? बिमल को 5 घंटा अलाउड था, वो 6 घंटा में काम खत्म किया है, 3 रुपया करके उसका वेजेस है। तो बिमल को कितना बोनस और सैलरी मिला के मिलना चाहिए? सर उसके लिए तो सर दूसरा वाला है, उसका नाम क्या है? हाल से नहीं सर, इमल्शन या फिर टेलर में से सॉल्व वो सब नहीं करना है बाबू। यहाँ पे सम तुमसे मांगा है, हालसे और प्लान और ओवन प्लान में सॉल्व करो सबको। तुम्हारे एग्जाम में हालसे और ओवन ही आएगा मैक्सिमम टाइम। इसमें सर इसको नहीं मिलेगा, खाली इसका वो मिलेगा वेजेस। हाँ तुम बोलोगे टाइम टेकन इनटू रेट, बस दैट्स इट। पहला वाला पार्ट सॉल्व करोगे इसके लिए, खाली बिमल के लिए। इसके लिए टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड ये सब होगा ही नहीं। वैसे इसके लिए जब रोन प्लान सॉल्व हाल से प्लान सॉल्व करोगे तो 50% ऑफ टाइम सेव वाला कहानी भी नहीं होगा। इसको सिर्फ वेजेस मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या सॉल्व करोगे? टाइम टेकन इनटू रेट, दैट्स इट। तो इसको टाइम टेकन कितना है इसका? 6 घंटा। सैलरी कितना है? वेजेस मतलब कितना है पर आवर? 3 रुपया। तो इसको 18 रुपीज वेजेस मिलेगा, दैट्स इट। तो ये देखो आंसर में लिखा हुआ भी है, बिमल टोटल अर्निंग 18 रुपीज। हाँ हाँ, इसमें नीचे में आंसर दिया हुआ है। जेनी क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट सम हम सॉल्व किए हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर में हमको क्या डेटा दिया? वैसा ही सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ अ वर्कर एंड इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ लेबर वेजेस, देयर बोनस इज पेड अंडर हालसे 50% स्कीम एंड रोवन स्कीम। हालसे के ब्रैकेट में 50% बोल दिया, आप भी 50% ही लगाते हो वैसे भी।
लेकिन अगर ब्रैकेट में 40% बोल देता तो आप 40 लगाते हैं। बेसिक बोला 10 रुपया वेजेस है, टाइम अलाउड 16 आवर है, टाइम टेकन 12 घंटे है, तो एकदम नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। नहीं लेकिन इसमें एक डेटा में गड़बड़ है। इसमें नहीं कोई गड़बड़ नहीं, ठीक ही है, नॉर्मल है। 12 घंटा वो एक्चुअली में टाइम टेके ना, 16 घंटा टाइम अलाउड था, तो कितना घंटा सेव किया है, 4 घंटा। और बेसिक वेजेस बोला 10 रुपया पर आवर है, तो वही। हाँ बोलो। जिसमें सर जिसको बोनस नहीं लेगा उसमें लिखने कैसे टाइम? हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत बढ़िया बोले हो। जो पिछला वाला सम था वहां पे बिमल को बोनस नहीं मिलने वाला है, ना आलसे में ना रोहन में, तो तुमको नीचे लिखना पड़ेगा एज ही हैज टेकन मोर टाइम सो ही विल नॉट गेट एनी बोनस, ही विल जस्ट गेट वेजेस। ये बात ठीक बोले, ये लिखना चाहिए। तो मेरा नहीं, कॉस्टिंग में एमसीक्यू नहीं होगा बेटा, कॉस्टिंग रिटर्न एग्जाम है, ये भी रिटर्न होगा। हाँ ऑनर्स पेपर है इस बार, सेमिस्टर 2 है ना, सेमिस्टर 2 में एक ही रिटर्न पेपर है, जैसे सेमिस्टर 1 में खाली अकाउंट्स रिटर्न था। और वो ये भी तो सर अकाउंट ही हुआ, एक क्लास हुआ कुछ शायद बोल रही थी, दो पेपर है रिटर्न। सेमिस्टर 2 में दो नहीं है बेटा, एक ही है, 3 में दो है। टोटल में 5 सब्जेक्ट है क्या? 4 4 कॉस्टिंग है, कंपनी लॉ है, कॉस्ट कंपनी लॉ, और एक हो गया एचआर मैनेजमेंट, और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट। 4 सब्जेक्ट है। इंग्लिश तो सर गिना ही नहीं गया। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश सेमेस्टर 1 में खत्म। इंग्लिश ही नहीं है? नहीं और इंग्लिश नहीं है, बस इंग्लिश सेमेस्टर 1 में था जो था। सर सबसे इजी पेपर ही है आज। वो ठीक है सर, सच्ची में इतना इजी क्वेश्चन आता था ना कि करेक्ट द सेंटेंसेस। इंग्लिश में एमसीक्यू था। पेपर कितना इजी आता था, कुछ सोचने का ही नहीं था। इस बार किसी में लेटर लिखना है क्या सर? पता नहीं आज